सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने कहा राहुल को किसके लिए जीऊं, सब खत्म हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला के आकस्मिक निधन ने टीवी गलियारों में हड़कंप मचा दिया था। सिद्धार्थ के जाने के बाद कई सेलेब्स उनके घर पर गए और एक्टर की मां को संतावना दी। सिंगर राहुल वैद्य अपनी पत्नी दिशा परमार के साथ सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर गए थे। राहुल ने अपने YouTube चैनल पर वीडियो पोस्ट कर सिद्धार्थ की मां से हुई बातचीत के बारे में बताया है। राहुल ने कहा है कि रीता आंटी स्ट्रॉन्ग लेडी है, क्योंकि रीता आंटी बेहद स्ट्रॉन्ग इंसान है, इसी वजह से सिद्धार्थ शुक्ला चट्टान की तरह मजबूत थे। एक जवान बेटे को खोना ऐसी फीलिंग है जिसे कोई नहीं समझ सकता, आंटी ने ये खुद कहा। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा सुना था कि किसी का जवान बेटा चला गया, लेकिन ये मेरे साथ होगा ऐसा कभी नहीं सोचा था। अब मैं किसके लिए जीऊं, सब खत्म हो गया है। राहुल ने बताया कि सिद्धार्थ की मां की ये बातें सुनकर वो और दिशा टूट गए थे। राहुल कहते हैं, लेकिन हमें उनके सामने मजबूत दिखना था, इसीलिए हमने उनका ढाढ़ंस बढ़ाया। मैं बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वो आंटी सिद्धार्थ की बहनों, परिवार और खास तौर पर शहनाज गिल को हिम्मत दे, क्योंकि जब मैं उन लोगों से मिलने गया था, शहनाज बात करने की स्थिति में नहीं थी, वो पूरी तरह से लॉस्ट थी, जो कि समझा भी जा सकता था। राहुल वैद्य ने वीडियो में सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया। राहुल ने बताया कि वो सिद्धार्थ के आखिरी जन्मदिन पर उनसे मिले थे। इस दौरान राहुल ने सिद्धार्थ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया था। बाद में सिद्धार्थ ने राहुल को अपने जन्मदिन की पार्टी में इन्वाइट भी किया था। उस दौरान राहुल और सिद्धार्थ एक ही जगह पर थे।